नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुप्रसिद्ध राइटर विक्की विशाल जी। बहुत सारी चीज़ों पर हम आज इनसे बात करने वाले हैं, बन रही वीडियो के साथ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्कार। सबसे पहले जितना भी मेरे भाई हैं, भोजपुरी दर्शक हैं, देवता स्वरूप भाई हैं, उन भाइयों को नमस्कार नमस्ते। और मेहदी न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भाई हैं उनको भी नमस्कार, और नहीं भी जुड़े हैं उनको भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बिल्कुल, आपका बहुत सारा हिट गाना रहा है मार्केट में, करीबन बहुत सारा गाना आपका मार्केट में हिट रहा है। सबसे ज़्यादा आप अवधेश प्रेमी को गाना दिए हैं, उनका जी, बहुत सारा ब्लास्ट गाना रहा है जी, जी। तो आपका राइटिंग का जीवनी कहाँ से स्टार्ट हुआ? भैया मैं राइटरी यानी गीतकारी तो बचपन से करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल परिवार से हैं और नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं कि कोई फिल्म में अलग काम करूँ, एक्टिंग करूँ वगैरह कुछ भी। अच्छा। तो हम लोग जो मेरा मेन पॉइंट था यानी मैं अपने बल बूता पे कुछ कर सकता था, तो मेरा राइटरी था, तो मैं राइटरी करना उचित समझे और तभी से मैं सॉन्ग लिख रहा हूँ, यानी बचपन से मैं राइटरी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका पहला सबसे हिट गाना कौन सा रहा है? पहला मेरा एक सॉन्ग आया था देवो से बढ़ रे जन्म दिल्ली जोन माई, तो मेरे तरफ बढ़िया रिस्पॉन्स मिला उस गाने का। उसके बाद भतारबा नेपाल में ऐसे करके, हाँ हाँ, अवधेश प्रेमी जी गाए हुए थे। और सबसे एक जो हम लोग का यानी लाइफ संवारने वाला सॉन्ग था वो साइलेंसर था। हाँ हाँ, साइलेंसर छुड़ावे। मैं अवधेश जी के लिए ये सॉन्ग लिखे हुए थे, तो अवधेश जी बोले कि नहीं ये कोई सॉन्ग नहीं है, फलना चिलना बहुत बात हुआ। तो हम उनको विश्वास दिलाए कि नहीं अवधेश जी, ये हाँ, गाना साइलेंसर छुआवे गाने से पहले आपने उनको दिया तो वो बोल रहे थे कि ये गाना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये गाना नहीं है, कुछ अजीब जैसा लगा जी। और मैं अवधेश जी को विश्वास दिलाया कि अवधेश जी आप गाइए, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि मेरे जितने भी दर्शक थे, भाई थे, कुछ ऐसे ही खोज रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत साफ सुथरा सॉन्ग लिखे हुए थे, नहीं बज रहा था। तो यानी पब्लिक यानी जो मेरे भाई है उनका मैं कुछ सोच लिखने का प्रयास किए और लिखे, और अवधेश जी से गवाएँ तो अवधेश जी गाएँ और उसका रिस्पॉन्स बहुत मिला। अच्छा, आपने अवधेश प्रेमी को सबसे ज़्यादा गाना दिया जी है। जी, करीबन कितने गाने अवधेश जी आपका गा चुके हैं? अवधेश जी मेरे ख्याल से यानी मेरे लगभग 600-700, हाँ 600-700 तो गए हैं। 600-700, ये बहुत बड़ी बात होती है सर जी। अच्छा सर, आपके नाम पे बहुत सारा मार्केट में फ्रॉडगिरी चल रहा है। हाँ हाँ, ये आप सही, हाँ सही सवाल किए हैं। सबसे पहले कि मेरे भोजपुरी भैया से बता दूँ कि विक्की विशाल के नेम से बहुत फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो आप लोग फ्रॉडगिरी से बचें, क्योंकि फेसबुक पे हजारों आईडी बन गया है राइटर विक्की विशाल, मेरे ही फ़ोटो यूज कर रहे हैं लोग, अब मेरे ही फ़ोटो डीपी लगा रहे हैं। अच्छा। और बोल रहे हैं कि मैं राइटर विक्की विशाल हूँ। यूट्यूब पे भी चैनल बन गया है, बहुत सारा चैनल बना है। अच्छा। तो मैं मेरे जो भाई है उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर विक्की विशाल से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी जरूरी हो विक्की विशाल से, तो विक्की विशाल से डायरेक्ट संपर्क कीजिए। वो फ्रॉड यानी जो धोखे कर रहे हैं, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, उससे बचा जाए। हाँ, उससे बचा जाए। तो मैं मेहदी न्यूज़ के माध्यम से एक सूचना भी देना चाहूँगा कि मैं अपना नंबर बता देता हूँ जो भी मेरे भाई हैं जी। बिल्कुल। तो भैया मैं अपना नंबर बता देता हूँ कि 9006926531, यानी कोई भी जरूरी पड़े विक्की विशाल जी से अगर बात करना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और फ्रॉड से बचिए। अच्छा, इनका नंबर इस पर फ्लैश भी हो जाएगा स्क्रीन पे जी। सर, अभी आप अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जी जी जी, तो इस स्टूडियो में कैसा एक्सपीरियंस रहा है ज़रा बताएंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सवाल किए आप। देखिए, अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक ऐसा स्टूडियो है यानी नए कलाकार जो भी आते हैं उनका कदर किया जाता है। अच्छा। और बढ़िया से रियाज करके उसे गवाया जाता है, यानी कोई भी सिंगर हो, छोटे हो या बड़े हो, सबको एक समान जैसे दर्जा दिया जाता है। अच्छा, नए सिंगरों को सपोर्ट मिलता जी, है जी जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता जी, है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल पर आने के लिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, एकदम कहना चाहेंगे। सबसे पहले कि मैं बताऊँ भैया कि जितने भी मेरे भाई हैं उनसे हाथ जोड़ी है, विनती है कि आप मेहदी न्यूज़ यानी मुन्ना भाई जी का एक जी। चैनल है मेहदी न्यूज़, तो भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और भाई को आगे बढ़ाइए। और एक और बात,
मेरा भी एक चैनल है जी। हाँ, विक्की विशाल इंटरटेनमेंट। अच्छा, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए विक्की विशाल इंटरटेनमेंट, मिलेगा आपको। उसका सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से होगा 75,000 के करीब। अच्छा, तो आप लोग सही चैनल को चुने, और मेरे भाई का भी चैनल है मेहदी न्यूज, उनको भी सपोर्ट दे जी। प्यार तो मिलता ही रहता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल पे आने के लिए। जी, वेलकम भाई।